हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोल्डर रिलेटेड कमांड और सारे का प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। तो हम लोग बने रहिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक क्विक पहुँच सके। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, है ना, क्विक पहुँचते हैं। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में आप लोग को फाइल रिलेटेड कमांड के बारे में बताए थे, आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड। डायरेक्टरी मीन्स क्या होता है दोस्तों? फोल्डर। क्या होता है? फोल्डर। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे MD टू मेक द डायरेक्टरी, मतलब कोई भी अगर फोल्डर को MS-DOS में बनाना रहता था तो उसके लिए कौन सा कमांड का यूज करते थे? MD कमांड का यूज करते थे। नेक्स्ट है CD। जैसे अगर कोई फोल्डर को खोलना है तो अभी क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं विंडोज मोड के लिए। लेकिन पहले जब MS-DOS चल रहा था उस टाइम अगर फोल्डर को खोलने के लिए CD स्पेस फोल्डर का नाम लिखना पड़ता था, तब ये CD मतलब फोल्डर को खोलने, वही लिखा हो टू चेंज द डायरेक्टरी। नेक्स्ट है RD। RD कमांड का काम क्या होता है, है ना, रिमूव डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म रिमूव, मतलब ये कोई भी फोल्डर, मतलब डायरेक्टरी में बार बार बता रहे हैं दोस्तों, फोल्डर होता है, अगर कोई फोल्डर को रिमूव करना है तो उसके लिए RD कमांड का यूज करते हैं। लेकिन RD कमांड उसी फोल्डर को रिमूव करता है जो फोल्डर एम्प्टी होता है, एम्प्टी मीन्स खाली रहेगा तभी वो रिमूव कर पाएगा। नेक्स्ट है सेव। सेव पता है MS-DOS में आज की डेट में कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो क्या यूज करते हैं, Ctrl+S, यानी तो सेव एज करते हैं तो उसके लिए F12 का यूज करते हैं, या फोटोशॉप में सेव करते हैं Ctrl+Shift+S या Ctrl+S करते हैं। लेकिन पहले जब MS-DOS चल रहा था उस टाइम सेव करने के लिए कोई फाइल को क्या करते थे, Ctrl+Z करते थे, या नहीं तो फिर क्या करते थे, F6। ये कैसा, MS-DOS के लिए स्पेशल, MS-DOS के लिए सेव करने के लिए इस तरह यूज क्या करते थे। लेकिन आज के डेट में अब Ctrl+S भी कर देंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग, है ना, ये सब सीख चुके हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ लैब वर्क, MS-DOS को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए करना क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, है ना, हाउ टू स्टार्ट MS-DOS। तो MS-DOS के लिए स्टार्ट करने के लिए पहले स्टार्ट में क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे, एसरीज में क्लिक करेंगे और कमांड में क्लिक करेंगे तो फाइल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर MS-DOS का स्क्रीन खुलेगा तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है और व्हाइट वाला लिखा हुआ, ये आप लोग को कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, ये ब्लैक वाला को, ठीक है, ये आपका स्क्रीन इस टाइप में खुल जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये खुला। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, है ना, इसको यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिखा रहा है आपका, ये इसका मतलब है कि ये आपका सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट ये दिखा रहा है, लेकिन अगर सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाना है उसके लिए आपके लिए कमांड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कमांड लिख चुके हैं, हाउ टू चेंज सी ड्राइव टू डी ड्राइव इन MS-DOS, मतलब MS-DOS में अगर सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाने के लिए उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, डी और इंटर, ये इंटर का सिंबल है, इंटर कर देंगे तो ये डी ड्राइव खुल जाएगा। मतलब सेम देख रहे हैं ना, इस तरह पहले दिखाएगा, अगर इस तरह करेंगे तो फिर इस तरह दिखाने लगेगा, तो इसका मतलब ये डी ड्राइव खुल चुका है। लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या फाइल है वो देखना रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे DIR कमांड का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग कौन क्या सीखे अभी, कि हम लोग सी ड्राइव से डी ड्राइव में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है डेट कमांड। डेट कमांड का काम क्या होता है, डेट देखने के लिए, अगर MS-DOS के फाइल में डेट अगर देखना रहता था तो डेट लिखने के बाद इंटर करते थे, जो कंप्यूटर में सेट है डेट वो आपको दिखा देता था। अगर न्यू डेट, है ना, टाइम मतलब चेंज करना है तो आप डाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है CLS कमांड। CLS कमांड का काम क्या होता है, क्लियर करने के लिए। अभी मैंने बताया कि अगर मान लीजिए सब डेटा है उसको क्लियर करना है तो उसके लिए क्या रखना होगा, यहाँ पे CLS कमांड का यूज करना। देखिए लिखा यूजिंग टाइम एंड, जैसे टाइम लिखे ये सब डेटा आ जाएगा, उसके बाद CLS करना चाहते हैं तो CLS कर देंगे और इंटर कर देंगे। CLS लिख के आप इंटर कर देंगे तो ये पे क्या होगा, जितना भी स्क्रीन में डेटा रहेगा उसको आप क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग यहाँ से दोस्तों, आज तक वर्जन कमांड से, है ना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।